हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहू हमारी रजनीकांत शो के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर आपने रिद्धिमा पंडित को देखा होगा, जिस तरीके से वहाँ पर एक कैरेक्टर प्ले करती हुई नज़र आई थी, एक रोबोट का कैरेक्टर वो प्ले कर रही थी। वाकई में काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर स्टोरी थी शो की, पूरी तरीके से डिफरेंट शो था, एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड शो लेकर आए थे मेकर्स, और यही वजह रही कि शो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस का देखने को मिला। आज भी शो के रिपीट टेलीकास्ट देखे जा रहे हैं और शो के सीज़न 2 की डिमांड चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई है डिमांड। ये बता दें आपको, लाइफ ओके पर देखने को मिला था। लाइफ ओके जब न्यूली ये चैनल लॉन्च किया गया था, उसी टाइम पर कुछ शो थे जो साथ में ऑन एयर हुए थे, तो उनमें से एक शो ये भी था और बहुत अच्छी टीआरपी लेकर ये शो आ रहा था। स्टार भारत पर इसका रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है और सीज़न 2 भी आपको स्टार भारत पर ही देखने को मिलेगा। चांसेस हैं कि आपको इस शो का सीज़न 2 जो है बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जिस तरह से डिमांड चल रही है, ऐसे में अभी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मेकर्स प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्लियर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें, शान के कैरेक्टर में यहाँ पर नज़र आए थे करणवीर ग्रोवर, तो वो फिलहाल किसी भी प्रोजेक्ट में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वहीं बात करें, उनके अपोजिट रिद्धिमा पंडित देखने को मिली थी, तो उनका भी करंटली ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है। सो ऐसे में अगर इन्हें दोबारा से अगर इस शो का ऑफर जाता है, इन्हें रिकास्ट किया जाता है, तो डेफिनेटली ये दोनों साथ में नज़र आना ज़रूर चाहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। वहीं अगर हम बात करें, साइनी दोषी यहाँ पर नज़र आई थी, एक तरीके से शो के अंदर लव ट्रायंगल डाला गया था, वाकई में इंटरेस्टिंग क्रिएट किया गया था शो को। तो यहाँ पर साइनी दोषी देखने को मिली थी सेकंड लीड में, लेकिन अब शायद वहाँ पर इनकी रिप्लेसमेंट होती हुई नज़र आएगी सीज़न 2 के अंदर, क्योंकि साइनी दोषी फ़िलहाल अब नज़र नहीं आने वाली हैं टीवी पर्दे पर, या फिर इस तरीके से शो की बात करें तो सेकेंड लीड करते हुए वो नज़र नहीं आएंगी। पांड्या स्टोर से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो एज अ लीड नज़र आना चाहेंगी, तो यहाँ पर उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। फिलहाल बाकी कैरेक्टर्स आपको वैसे ही देखने को मिल सकते हैं अगर शो का सीजन 2 आता है तो। क्या कुछ आपका कहना है, कितना एक्साइटेड हैं आप सीजन 2 के लिए, जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।